subscribe to my channel and press the bell icon button. काला पानी। अंग्रेजों ने गुलामी के दौर में हिंदुस्तान में उठने वाली आज़ादी की हर आवाज़ को दबा के रखा, लेकिन 1857 में इस देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ी आवाज़ उठी, लेकिन अंग्रेज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और लोगों पर गोलीबारी की, और उन क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए उन्होंने धरती के एक सुंदर कोने को चुना और पानी से घिरे इस आइसलैंड को नर्क में बदल दिया। ये था काला पानी, हेल ऑन अर्थ। काला पानी एक ऐसी सजा थी जिससे बेहतर मौत होती थी, जो इसे देख ले वो कांप जाए और जो इसे पा जाए वो मौत का डर भूल जाए। अंडमान की सेल्युलर जेल यानी काला पानी की सजा। यहाँ आज़ादी के मतवालों को तमाम तरीके के टॉर्चर का सामना करना पड़ता था। समुद्र के बीच इस जेल की दीवार छोटी रखी जाती थी ताकि लोग बाहर निकलने का लालच रखें और दूर दूर तक पानी देखकर गुलामी की बेबसी को जीते रहें। यहाँ से भाग पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अंग्रेज़ों ने यहाँ ऐसी सजा रखी थी जिसे सुनते ही कोई यहाँ जाना नहीं चाहता था। जो प्लेट खाने के लिए दी जाती थी सुबह टॉयलेट के वक्त भी वहीं इस्तेमाल होती थी, क्योंकि इस जेल में कोई टॉयलेट नहीं था। दिन में कैदियों को शरीर पर बिना कपड़ों के तेल निकालने को कहा जाता था। जहां भी काम धीमा होता था उस नंगे शरीर पर कोड़े बरसाए जाते थे। इस जेल में कैदियों को खाना सिर्फ जिंदा रखने के लिए दिया जाता था। खाने में सब्जियाँ कम, कीड़े ज़्यादा थे, और हक की बात और भूख हड़ताल करने वालों के मुंह और नाक में पाइप डालकर उनकी हड़ताल ख़त्म कराने की कोशिश की जाती थी तो आवाज़ उठाने वालों की जुबान काट दी जाती थी। एक सेल में सिर्फ एक कैदी रहता था जिसके गले पर पट्टे में उसकी सज़ा लिखी होती थी। यहाँ मिलने वाली मौत भी बिना किसी इंतज़ार के होती थी। कभी भी किसी को फांसी दे दी जाती थी तो कभी भी किसी को तोप के सामने रखकर उड़ा दिया जाता था। ऐसी जगह में भी क्रांतिकारियों का जोश और बढ़ता रहा। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे वीर सावरकर। 1911 में उन्हें एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या की साजिश के आरोप में काला पानी भेज दिया गया। उन्होंने यहाँ वो तमाम टॉर्चर झेले जो इस जेल में किए जा सकते थे। बाद में कई भारतीय नेताओं के कहने पर सावरकर को 10 साल बाद 1921 में इस जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वहां पर भगत सिंह के साथी महावीर सिंह भी इस जेल में कैद थे। जेल में हो रहे टॉर्चर के खिलाफ वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके बाद अंग्रेज़ों ने उनकी हड़ताल को तोड़वाने के लिए ज़बरदस्ती उनकी नाक और मुंह में पाइप से दूध डालने की कोशिश की, और इसमें महावीर सिंह की मौत हो गई। और ये खबर सुनकर बाकी कैदियों ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। 1939 में महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े नेताओं और प्रभाव रखने वाली शख्सियतों ने अंग्रेज़ों के जुल्म की पहचान बन चुकी इस काला पानी की सज़ा को ख़त्म करने की मांग की। इस सभी के दबाव में अंग्रेज़ ने इस जेल को बंद कर दिया और यहां मौजूद सभी कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि जैसे को तैसा मिलता है, और सेल्युलर जेल के साथ भी वही हुआ। 1942 में वर्ल्ड वार टू के दौरान जापान ने इस जेल को कब्जे में ले लिया, और अगले 5 साल यानी 1945 तक उन्होंने इसी जेल में अंग्रेज़ों को वैसी ही सजा दी जैसे अंग्रेज़ बाकी भारतीयों को देते थे, यानी ब्रिटिशर्स को उनके किए की सज़ा वहीं मिल गई।